थे, लेकिन चूंकि पुलिस ने हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया और हम भी जानते हैं कि हिंदू भाइयों के लिए आज गणेश विसर्जन का दिन बहुत मायने रखता है, तो उसके अंदर कहीं खलल ना पैदा हो, पुलिस वालों के ऊपर ज़्यादा तान ना आए, इसी वजह से आज जो हमने आज खड़गेश्वर के महादेव मंदिर में जाने का फैसला किया था, इस आंदोलन को हम आज के दिन तात्पुरता तौर के ऊपर हम इसको पीछे ले रहे हैं। हम देखिए, हमने आज के दिन ये ऐलान किया था कि 1 तारीख के दिन महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी मंदिरें हैं वो खोली जाए, और औरंगाबाद में हम खड़गेश्वर के जो महादेव मंदिर है वहाँ पर जाकर हम वहाँ के जो पुजारी हैं उनको विनती करने वाले थे, वहाँ पे जाकर हम सरकार के ऊपर ये मांग करने वाले थे, जोर देने वाले थे कि अब मंदिरों को मस्जिदों को खोल दिया जाए, उसी के तहत हमने आज ऐलान किया था। लेकिन आज पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमसे संपर्क किया, मेरे पास घर पर आए, पुलिस कमिश्नर साहब खुद ने मुझसे बात की, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि चूँकि आज गणेश विसर्जन का दिन है और गणेश विसर्जन के दिन में पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है, तो उन्होंने ये अनुरोध किया हमसे कि आज का ये आंदोलन अगर हम बढ़ाकर आगे अगर कर देते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होगी, तो उसी के तहत अब हमने ये तय किया है कि आज का जो आंदोलन है हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हम 1-2 दिन के अंदर ये आंदोलन दोबारा हम करेंगे। और ये आंदोलन ये नहीं है कि हम लोग जाकर वहाँ पर ये कर रहे हैं, कई सारे ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो आज हमारे साथ इस मुद्दे के ऊपर जुड़े हुए हैं, और उनका कहना है कि अगर सरकार सुन नहीं रही है, अगर जिन लोगों को हमने चुनकर दिया है वो खामोश बैठे हैं, तो वो लोग हमारे साथ जुड़कर आ रहे हैं। कई हिंदू हमारे भाई बहनों ने कहा है कि हम इसका नेतृत्व करेंगे, हम उनको सिर्फ साथ देने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन आज का आंदोलन हमने यहाँ पर आगे बढ़ाने का फैसला किया है मंदिरों को खोलने के ताल्लुक से। लेकिन कल के दिन जो हम शाहगंज की मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ेंगे वो आंदोलन हमारा रहेगा। मकसद यही है कि आंदोलन के ज़रिए हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब जब सब कुछ खुल चुका है तो मंदिरें मस्जिदें जितने भी गिरजाघर है, बुद्ध विहार है या गुरुद्वारा है, ये सब के सब सारे कंडीशंस के साथ खोले जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियों के स्वाभाविक है कि उनके पेट में तकलीफ हो रही होगी कि MIM पार्टी मंदिरों के बारे में बात कैसे कर रही है, कुछ नेताओं के गलत तरह के बयान सामने आए हैं। हम उनसे यही कहना चाह रहे हैं हम एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़े हैं और उस अच्छे काम को अंजाम देने के लिए यकीनन हम हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम वो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पुलिस ने हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया और हम भी जानते हैं कि हिंदू भाइयों के लिए आज गणेश विसर्जन का दिन बहुत मायने रखता है, तो उसके अंदर कहीं खलल ना पैदा हो, पुलिस वालों के ऊपर ज़्यादा तान ना आए, इसी वजह से आज जो हमने आज खड़गेश्वर के महादेव मंदिर में जाने का फैसला किया था, इस आंदोलन को हम आज के दिन तात्पुरता तौर के ऊपर हम इसको पीछे ले रहे हैं। हम 1-2 दिन के अंदर दोबारा मंदिर का चयन करेंगे और दोबारा वहां पर जाएंगे। ये हमारा आंदोलन किसी जात धर्म या मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता है, ये सरकार को ये बताने के लिए है कि मंदिर जब खुलती है तो मंदिर के पीछे काम करने वाले, चाहे वो फूल बेचने वाला हो, नारियल बेचने वाला हो, या मंदिर की जितने भी पूजा की सामग्री बेचने वाला हो, उसके भी रोजी रोटी का सवाल है। अगर 6 महीने तक अगर आप इसी तरह के धार्मिक स्थल बंद रखेंगे तो सिर्फ वो एक मंदिर बंद नहीं होती, बहुत सारे लोगों के घर का आटा चूल्हा नहीं जलता है। ये सोचकर हमने ये आंदोलन किया है। हम पुलिस को ये आश्वासन दिलाते हैं कि हमारा कहीं पर भी कोई इस तरह की हरकत नहीं कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर के अंदर प्रॉब्लम होगा करके, हम सिर्फ लोगों के हित के अंदर, लोगों ने चुनकर दिया है तो उसका मकसद यही होता है कि लोगों ने हमारे साथ आकर इस बात को जब हमारे सामने रखा कि लोक प्रतिनिधि के हैसियत से मुझे वोट देने वाले हिंदू समाज के भी भाई थे, वो लोग आकर हमसे ये जब सवाल करते हैं और पूछते हैं कि आज जब सब कुछ खुल चुका है तो आप हमारी मंदिर क्यों नहीं खुलवा रहे हैं, हमने सरकार को जितने निवेदन देना है उतने निवेदन दे चुके हैं, लेकिन अगर सरकार गूंगी मुक्की और बहरी बनकर बैठी है तो यकीनन लोगों को अपने हिसाब से काम करने के ऊपर सरकार मजबूर कर रही है। मैं मेरे तमाम औरंगाबाद की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि
हमने आज का जो ये हमारा मूव था कि हम खड़गेश्वर के मंदिर के ऊपर जाएंगे, ये आज हम वापस ले रहे हैं, लेकिन अगले दो दिन के अंदर हम इसके ऊपर फैसला करेंगे और दोबारा वहाँ पर जाएंगे। आज पीछे लेने का मकसद सिर्फ यही है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है कि आज चूँकि गणेश विसर्जन का दिन है इसीलिए इस आंदोलन को हमने पीछे लिया है। धन्यवाद।